महाराज, इनके महाराज बोल दो तो कदो किटिक कुचो कदो। हाँ एक बार फिर से मिलते जाते हैं। हेलो कर दो सबको, बोल दो हेलो गाइस किट्टी किट्टी आई किट्टी है ना। चलिए जल्दी से काम निपटाती हूँ क्योंकि अभी इनका शुरू हो गया। देखो अभी बस शुरू होने वाले। ये लो ये लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो। नहीं नहीं लेना है, चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज भी बारिश हो रही है लगातार, यहाँ 4 या 5 दिन हो गए बारिश रुक ही नहीं रही है। इवन कल तो इमरजेंसी में स्कूल वालों ने ही स्कूल ऑफ मतलब कर दिया था कि बारिश की वजह से स्कूल बंद कर रहे हैं। लेकिन आज स्कूल ओपन हुआ था तक्ष, लेकिन स्कूल नहीं गया है क्योंकि अभी ना तक्ष के पास विंटर्स की ड्रेस नहीं है। मतलब विंटर अभी ऐसा मौसम हो रहा है और अभी तक वो स्लीव हाफ शॉर्ट्स और हाफ शर्ट पहन के जाता था, लेकिन अब फुल स्लीव के कपड़े चाहिए होंगे। और कल ही मैम का मैसेज आया कि अब आप ड्रेस ले लीजिए। तो वैसे तो फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल ड्रेस में भेज सकते थे, बट क्या हुआ कि मैंने आज भेजा ही नहीं क्योंकि बारिश इतनी थी ना, मुझे लग रहा था कि आज फिर तेज बारिश ना हो जाए इसलिए। लेकिन उसको पढ़ने के लिए बिठाया है, सुबह का ही टाइम हो रहा है। तक्ष के पापा ऑफिस चले गए। आज मेरे नेक में भी प्रॉब्लम है, आज पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है इसमें। को तक्ष को दिखाती हूँ। तक्ष ये देखिए, आप बाहर आपको दिख रहे होंगे चेयर लगा के बैठे हैं। उनको दिया है कुछ लर्न करने के लिए, तो वो मैंने कहा चलो स्कूल, हाँ हाँ राइट करने के लिए और लर्न करने के लिए दोनों ही दिए हैं। तो मैंने बोला कि अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो कम से कम घर पे पढ़ लो, तो वो अभी पढ़ रहे हैं। और ये मेरे साथ एज यूजुअल, इनको आदत है प्रेम झुलाते रहो पूरे घर में। दिखाती हूँ ये क्या कर रहे हैं आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल नींद में हो चुके हैं, इनको नींद आ रही है, सो चुके हैं इवन। सो रहे ये बिल्कुल, इनको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि जब ये सोएंगे तभी मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो अभी मैं तो उसको ऐसे प्रेम में झूला झूला के इसको सुलाना पड़ता है। ये सो जाएंगे ना तो मेरा भी काम हो जाएगा। पूरे घर में ही मैं प्रेम लेके चलती रहती हूँ क्योंकि इनको आदत है, या तो इनको गोदी में रखो या इनको प्रेम में रखो तभी ये सोते हैं। और तक्ष ये पढ़ रहे हैं। मेड अभी आई नहीं है, लेकिन आपको दिखाती हूँ एक रूम ना, पूरा बारिश की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है कि पूरे रूम को ना लॉन्ड्री रूम बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने पूरे घर में आपको कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे, यहाँ भी सूख रहे, गेट के ऊपर भी इवन मैंने डाल रखे हैं कपड़े क्योंकि कपड़े ना सूख ही नहीं रहे। और पूरी बालकनी तो भरी है ही। तो ये है हाल पूरे घर का अभी फिलहाल। तो जी घर का सारा काम हो चुका है, काम वाली भी काम करके चले गई है, घर पूरा क्लीन हो चुका है। बस इनके सोने का टाइम हो रहा है इसलिए रो रहा है, लेकिन मेरा ये पेन बढ़ गया है। तक्ष के पापा अभी आए थे घर, तक्ष को स्कूल की ड्रेस दिलानी थी तो तक्ष आए हैं, चिप्स खा रहे हैं, चिप्स लेते हुए आए थे तो उनको बिठाया है खाने के लिए क्योंकि उसके पास ना ड्रेस जो विंटर्स वाली होती है ना वो नहीं थी सर्दियों की। बेटा बिस्तर पे मत गिराना, आराम से बैठ के खाओ एक जगह। नेक ऐसी हो गई है, तब पेन हो रहा है कि मुड़ भी नहीं रही है पीछे। और क्या हुआ ना तक्ष, देना बेटा गिर गया नीचे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं त्रिशान को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आजकल ना मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि ये बिस्तर पे सो ही नहीं रहा है। जब तक इसको प्रेम में ऐसे घुमा ना दो, चक्कर ना लगवा दो, इसको आराम से जब थोड़ा घूम लेता है ना तो खुद ही इसमें सो जाता है। और दूसरी बात, इसे जैसे ये सो रहा है मैं उठा के सोचती हूँ चलो इसको बिस्तर में सुला दूँ, ठंडा लग जाएगा, इसमें मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, तो ये तुरंत उठ जाता है। मतलब सोता ही इसमें है, वो सो ही नहीं रहा बिस्तर में। बिस्तर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको, बिस्तर में जाते ही उठ जाता है। तो मुझे इसको ऐसे ही घुमा घुमा के सुलाना पड़ता है और ऊपर से ऐसे ही प्रेम में मैं कंबल डाल देती हूँ क्योंकि ये सो ही नहीं रहा बिस्तर पर। और फिर नींद ख़राब हो जाती है तो रोता है बहुत, फिर गोदी की जिद करता है। और तो इसलिए तक्ष के, आपने देखा साइड में ड्रेस पड़ी है, तक्ष के पापा ड्रेस लेके आ गए, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई थी उनके बाहर निकलते ही। पता नहीं, मैं उनको फ़ोन भी नहीं कर रही हूँ, वो ऑफिस पहुँचे भी है या नहीं पहुँचे हैं मुझे नहीं पता क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और वो भीग गए होंगे अभी, मुझे यही लग रहा है।
मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है आज दक्ष के पापा के साथ। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे खुद अपने आप से। जाना पड़ेगा, लेकिन अभी बारिश बहुत तेज है। बारिश अभी इस टाइम पे तो थोड़ा रुक के जाएंगे, जब बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तब इसको सुला दिया। मैं सोची तो आए तो बारिश में भीग के थोड़ी सी चाय बना के पिला दूँ। अभी ना इनको ऑफिस फिर से जाना है, मैंने कहा चलो भीग गए थे तो चाय पिला देती हूँ, इस मौसम में चाय तो अच्छी लगती है। तो मैं चाय बना रही हूँ इनके लिए, और ये कपड़े अपने चेंज करे पूरे एकदम तर हो के आ गए थे। उस वक्त तो मैं कैमरा भी नहीं उठा पाई क्योंकि ये रोने लगा था रिशान, तो मैं इसी में लग गई थी इसलिए। काम बहुत सारे, कई बार ज्यादा बारिश होती तो भी खराब हो जाते हैं। चाय के मजे ले लेते जब तक ड्रेस दिलवाने के लिए आए थे और खुद की ड्रेस की ली होगी। आज इतना दर्द हो रहा है ना मेरे। यहाँ मैं चाय के साथ लंच भी करने लगी हूँ क्योंकि मैंने लंच नहीं किया, लंच क्या मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। ऐसे कुटर कुटर खा रही है, सुबह से टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर इसके पापा घर आ गए तो मैंने कहा चलो चाय के संग इस टाइम पे अच्छा लगता है, तो रोटी भी लेके बैठ गई। तो बस मेरा लंच भी हो रहा है और चाय भी तक्ष को भी मैंने बिठा दिया, क्योंकि आज तो सच में 2 बज जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल से शायद जिस टाइम पे मैं लंच कर रही थी 1 बज चुके थे। ये तो चाय पी रहे थे, मैं तो साथ में खाना खाने ही बैठ गई। मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि खाना मैंने खाया नहीं था, इस वजह से तक्ष को भी बिठा दिया कि तुम भी खा लो, फिर बार बार ना फिर मौका नहीं लगेगा क्योंकि ये जाएंगे फिर मैं लंच लगाऊँ। मैं कहा चलो साथ में ही बैठ जाते हैं, बात करते करते खा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी अब ऑफिस के लिए निकलेंगे, ये ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो फिर अभी वो सोया है छोटा वाला, इसको भी मैं थोड़ी देर सुलाऊं। फिर इसका आज स्कूल नहीं गया है तो होमवर्क है वो करवाना है। इसको मैं बालकनी में रख दूंगी अभी थोड़ी देर धो के। बस अभी 1 घंटा बारिश रुके रहे तो आप पहुंच जाओ ऑफिस है। फिर भी ये करना है, आराम से ना, हड़बड़ी मत करना। 16 पे है, 17 पे है। चलो बाय बाय पापा जी। धीरे धीरे चलो, अपना होमवर्क पूरा कर लेना है। ठीक है चलो। चलिए जी, अभी हो गया है शाम का टाइम, और पता नहीं क्यों वीडियो ब्लर आ रही है, समझ नहीं आ रहा है रूम में ऐसे क्यों हो रहा है, लाइट साइड रिफ्लेक्शन गलत जगह से आ रहा है। तो वीडियो का करूँगी अभी एंड, क्योंकि अभी हो गया है शाम का टाइम, मैंने भी आधे घंटे की नींद ले ली है और दोनों सोए हुए हैं दोनों बच्चे, तो मेरे पास अभी अच्छा मौका है। मैं फटाफट से कपड़े समेट दूँ जो फैले वजह सूख गए, जो नहीं सूखे हैं उन्हें बाहर बैल्कनी में डाल दूँ। आजकल ना मेरा यही काम हो रहा है, अंदर बाहर कर रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। मतलब अच्छा, कुछ लोग किस किस को ऐसा होता है, मेरे को ना कपड़े जब अगर मेरे गीले हो मुझे इतनी बेचैनी रहती है, मैं
इतना अंदर बाहर करती हूँ, मेरे घर में सब मुझसे परेशान रहते हैं, बस मुझे ये रहता है मेरे कपड़े सूख जाए, अच्छे से सूख जाए, बढ़िया से मैं तय करके रख दूँ। मेरे को बहुत मतलब सो फोबिया टाइप का नहीं होता, मुझे ये है मेरे कपड़े एकदम सूखे रहने चाहिए। और बारिश का मौसम हो, सर्दियों में ना मेरे को इतनी बेचैनी हो जाती है, मैं 10-10 चक्कर लगाती हूँ बाहर, अलट पलट करके कपड़े पलटती हूँ ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो ये मैं करती रहती हूँ। लेकिन आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे सब करने का, कपड़े सुबह डले हुए, बारिश खूब हो रही है अभी फिलहाल, 2 घंटे से तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वेदर अभी दोबारा से काला मौसम हो गया है, लग रहा है कि बारिश होगी। तो ना मैं सोच रही हूँ कपड़े फटाफट से समेट दूँ और जितने सूखे हैं उसको अंदर करके थोड़े से और कपड़े डाले, क्योंकि अभी भी मशीन में कपड़े धुले हुए रखे हैं, कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं, पता नहीं मेरे में ही होते हैं, सबके वहाँ से समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे भी छोटे बच्चों संग थोड़े ज़्यादा गंदे होते ही है, इस वजह से तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। और मैं अभी ना मेरे करवा चौथ भी देखो करीब आ गया, मैंने उसकी भी तैयारी नहीं करी है, मैं उसकी भी तैयारी करनी है, मैं समझ नहीं आ रहा मेहंदी कैसे लगेगी, मेहंदी लगाने के लिए टाइम चाहिए वही नहीं है, नहीं टाइम तो है मेहंदी लगाने का, लेकिन फिर उसके बाद मेहंदी सुखाने के लिए ये बिल्कुल टाइम नहीं देने वाले जनाब, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करूँगी, देखते हैं क्या किया जाएगा। तो अभी तो इस वीडियो को करते हैं एंड, जल्दी ही मिलेंगे नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल।